हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं सनफ्लावर कितनी हाइट पकड़ गए हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए मेरे से भी बड़े हो गए हैं, 6-6 फीट के हो गए हैं ये। और क्योंकि इन्हें एक तो स्पेस काफ़ी मिला है, देखिए 20-20 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, और दूसरे ये इन्हें खाद मिली है काफ़ी ऑर्गेनिक, जो गोबर की खाद होती है ना वो मिली है। बट एक प्रॉब्लम हो गई जिसमें ज़्यादा प्लांट लगे हुए हैं, वो उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई है। जैसे इसमें अभी दो ये लगे हुए हैं और ये लगी हुई है टिकोमा, तो टिकोमा को इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है और बस यही बढ़ रहे हैं। चलो कुछ दिन की बात है फिर ये ख़त्म ही हो जाएंगे। तो सनफ्लावर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये देखिए एक सनफ्लावर ये है, ये देखिए, और इसमें भी कई बड्स निकली हुई हैं। बस मैं यही करती हूँ कि ये नीचे के पत्ते तोड़ देती हूँ और फिर जो भी एनर्जी है वो इन्हें मिलती रहती है ऊपर फ्लावर्स को। तो ये कई प्लांट निकल आए हैं मेरे यहाँ, काफ़ी ढेर सारे प्लांट हैं ये। देखिए एक ये है और एक ये है, दो और एक ये तीन, एक ये चार ये है, और इधर ये है, ये देखिए एक ये है, एक ये है। इसमें भी फूल ये खिला था, धूप बहुत तेज़ है, थोड़ा सा मुरझा भी गया है, मतलब सूख गया है ये, और कुछ ये भी निकल रहे हैं। देखिए कितने हाइट पकड़ गए, ये 18-18 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं देखिए। तो इन्होंने बाकी की ग्रोथ रोक दी है, बस यही बढ़ रहे हैं, बाकी और नहीं बढ़ पा रहे हैं प्लांट, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो ये देखिए ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं प्लांट। तो मैं इनके पत्ते इस तरह से तोड़ देती हूँ, सूखे पत्ते जो भी ड्राई हो जाते हैं ना वो पत्ते तोड़ देती हूँ, धूप बहुत पड़ रही है तो पत्ते सूख ही जाते हैं। तो आप भी यही काम किया करो कि जैसे ही ड्राइनेस हो, ड्राई पत्ते हो, उन्हें तोड़ दीजिए, निकाल दीजिए अलग। और ये देखिए कुछ ये भी हैं, तो ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं, और ये सब सीड से ग्रो किए हुए हैं। ये देखिए सभी में फ्लावर बड्स आ रही हैं, सब फूल खिलने वाले हैं, तो ये बहुत इजीली चल जाते हैं प्लांट। ये देखिए इसमें ये फूल खिलने लगे, ये देखिए ये, तो ये मेरे इसके साथ में हिबिस्किस के साथ में लगा हुआ है, ये हिबिस्किस भी खिल रहा है साथ में। तो ये बहुत ही ईजीली लग जाते हैं, चल जाते हैं, ये सीड से ग्रो होते हैं। एक बार अगर आप सीड लगा लेंगे ये प्लांट ना, तो दोबारा आपको सीड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही लगानी पड़ेगी। बस ये ज़्यादा छोटे पॉट में नहीं चल पाते हैं, ये देखिए ये 12 इंच के पॉट में, तो इसकी हाइट इतनी सी ही रह गई है। जो बड़े पॉट में लगे हुए हैं तो उनकी हाइट काफ़ी अच्छी हो गई है देखिए ये। और पानी इन्हें बहुत चाहिए होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, है तो समर प्लांट मगर इन्हें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, काफ़ी पानी इन्हें चाहिए। और सीड से ग्रो किए हैं तो इजीली ग्रो हो जाते हैं और बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। और एक ये भी है, ये छोटे छोटे से हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ निकाल ही दूँ, क्योंकि इस गमले को खाली करके मैं इसमें कुछ और लगा दूँगी। 16 इंच का पॉट है तो थोड़ी सी इसे प्रॉब्लम भी हो रही है। तो ये देखिए छोटे पॉट में लगाने से ये होता है, ये छोटे छोटे से हैं, ये एक में दो ही ग्रो हो गए हैं, हाइट तो थोड़ी सी बढ़ गई है, 2 फीट हो गई है, मगर फिर भी इतनी अच्छे से नहीं बढ़ी है, क्योंकि पानी कम रहता है इसमें, थोड़ी देर पानी डालो, बल्कि मैंने इस तरह से भर के रख भी दिया है, फिर भी पानी इसे कम ही रह पाता है उस हिसाब से, इसकी जड़ें बहुत गहरे तक जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी लगाएं इन्हें तो बड़े में ही लगा दें। मैंने इस जगह जगह ट्रांसप्लांट किए थे, एक जगह ग्रो हो गए तो मैंने ये जगह जगह ट्रांसप्लांट कर दिए। मिट्टी वही पोरस रखनी है, पानी के इंतज़ाम के लिए आप इसमें ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा मिट्टी थोड़ी सी इसमें आप वो मिला दीजिए कोकोपीट, जिससे कि मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि इन्हें पानी बहुत चाहिए होता है, मैंने नोटिस किया है। बाकी सब प्लांट सही से चलते रहते हैं, बट ये इसके पत्ते झुक जाएंगे अगर एक टाइम पानी ना दो, तो एक दिन पानी ना मिले तो इनके पत्ते लटक जाते हैं, ये इससे पता चलता है कि हाँ इन्हें पानी नहीं मिल पाया है, सूखने लगते हैं बुरी तरह से। तो पानी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फुल सन का प्लांट है तो मेरे यहाँ तो सभी फुल सन में ही रखे रहते हैं प्लांट, कोई भी हो, बस ये जो ज़्यादा ठंडे एरिया में रहता है तो उसे मैं ठंडे एरिया का प्लांट है उसे तो नीचे रख देती हूँ छुपा के ग्रुप में, और बिल्कुल अंदर को जो धूप में रहते हैं तो वो धूप में रहते ही रहते हैं। तो धूप में इन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि नाम ही इनका है सनफ्लावर, तो ये सन के साथ में ही रहते हैं, जिधर उधर सन चलती रहती है उधर उधर ये घूमते रहते हैं। ये सीड पॉट तैयार होने लगा है, जब ये बिल्कुल पक जाएगा तो इसे मैं तोड़ लूँगी। लास्ट ईयर ये हुआ था, नवंबर में ये पक गया था तो बंदर ने तोड़ दिया था, उसकी जगह जगह सीड बिखेर दिए थे, तो बहुत ढेर सारे सीड रेडी हो गए थे। तो मैं इसीलिए वैसे मैं इतनी ग्रो नहीं करती, क्योंकि इनकी हाइट भी बहुत चली जाती है, दूसरे प्लांट को बढ़ने नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने इन्हें यही कोशिश की थी कि इनके प्लांट मैं कम ही लगाऊँ,
बट ये जब ये ग्रो हो गए तो मुझे उखाड़ने का मन नहीं हुआ, तो ये ऐसे ही एज इट चलने दिए। और ये देखिए कितने ढेर सारे हो गए, चारों तरफ जंगल जैसा लग रहा है, जंगल जैसा लुक आ रहा है। देखिए बिल्कुल ढेर सारे ये सनफ्लावर हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो रहने देते हैं, सीड इनके यूज़ कर लेंगे हम, क्योंकि इसके सीड भी खाने लायक होते हैं। हल्का सा ब्राउन करके, भून करके और फिर इन सीड को खाइएगा तो ये बहुत हेल्थ बेनिफिट देते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें फिर मैंने उखाड़ा नहीं, उनके चलो छोड़ो रहने देते हैं। एक तो अच्छे खासे प्लांट चल रहे हैं, तो वहीं उखाड़ना मुझे बहुत बुरा लगता है प्लांट को, और सनफ्लावर भी इतने देती कहाँ मैं किसे, तो इसलिए मैंने उखाड़े भी नहीं और ये चलने ही दिए। और अभी देखिए कितने ढेर सारे प्लांट हो गए हैं इसके, काफ़ी प्लांट ही प्लांट चारों तरफ दिख रहे हैं इसी के ही। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक, और उधर भी देखिए सनफ्लावर ही कितने ढेर सारे, इधर देखिए, इधर देखिए, और यहाँ पे भी सनफ्लावर है, तो हर तरफ सनफ्लावर दिख रहे हैं। इसलिए मैंने यही कोशिश की है कि इसे रहने देते हैं, बेकार में इसे निकालेंगे तो दुखी होगा, बहुत बुरा लगता है जब प्लांट को हटते हैं तो, क्योंकि इनमें भी जान ही होती है, तो मैं इन्हें खाना नहीं चाह रही हूँ। और सुंदर तो लगते हैं फूल, पर कमी फूल आते हैं। ये मिनी सनफ्लावर है छोटा वाला, तो ये भी नहीं सरवाइव कर पा रहा है इनके चक्कर में, क्योंकि इसमें एक साथ मैंने चार दो तो ये सनफ्लावर हो गए हैं, है ना, और ये हिबिस्किस भी है इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करने लगे हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि इसमें कम प्लांट लगाऊँ। तो सनफ्लावर तो काफ़ी हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं, बहुत इजी टू मेंटेन है प्लांट, बस आप पानी का ध्यान रखिएगा और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, बस पानी ही पानी चाहिए होता है। तो इसकी मिट्टी में थोड़ी सी कोकोपीट ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि एक तो गर्मियों का प्लांट है, दूसरे इसमें बहुत तेज़ धूप लगती है तो ये मुरझा जाता है, इसे पानी की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, पानी से बहुत ढेर सारा चाहिए होता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी ज़्यादा पड़े, पानी ज़्यादा रहे तो अच्छा रहता है ना, तो पानी की रिक्वायरमेंट इसे बहुत रहती है, तो आप पानी काफ़ी लगाते रहिएगा ढेर सारा, सुबह शाम दोनों टाइम लगा दीजिए, अदरवाइज़ एक टाइम तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये सूख जाएंगे बिल्कुल, ये बिल्कुल पत्ते लटक से जाते हैं, मुरझा जाता है, उदास हो जाता है ये अगर नहीं लगाओ तो। तो फ्रेंड्स इसमें ना तो फंगस लगती है, कैटरपिलर वगैरह लग जाते हैं, मगर फुल सन में रहने की वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से चलता रहता है, कैटरपिलर भी नहीं लगते हैं क्योंकि धूप में रहता है तो कैटरपिलर लगते हैं। देखिए आप कोई भी पत्ता आपको कटा हुआ नहीं दिखेगा, बस ड्राई पत्ते हो जाते हैं, वो भी इसलिए कि ये धूप की वजह से बहुत, अभी 42-41 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो इस वजह से इनके पत्ते ख़राब होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, अदरवाइज़ इसमें कैटरपिलर वगैरह बहुत कम लगते हैं, आराम से चलता रहता है प्लांट। और देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, क्योंकि सारा ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें मैंने बनाया मिलाया है, सैंड है, धान की भूसी है, और इसमें मैंने गोबर की खाद बहुत ढेर सारी मिलाई है, ऑर्गेनिक जो भी हमारे गार्डन का मटेरियल होता है, वेस्ट होता है, वो सब मैंने इसमें नीचे, इतनी मैंने मिट्टी डाली, फिर इतने मैंने गार्डन वेस्ट डाला, फिर मिट्टी डाली है, तो थोड़ी मिट्टी गार्डन वेस्ट, थोड़ी मिट्टी गार्डन वेस्ट, इस तरह से मैंने इसे डाला है, और ये बहुत अच्छे से चल रहा है, हेल्दी प्लांट है। मगर जब इनमें फ्लावरिंग होने लगती है तो आप इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे दीजिए, जैसे कोई भी ऐसा हो फर्टिलाइज़र, जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट की खाद है, या लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों खली का है, वो आप डाल दीजिए, बनाना पील फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत ढेर सारी करते हैं। इसका पहला फूल तो बहुत अच्छा बड़ा आएगा, फिर छोटे छोटे से इधर से निकलते रहते हैं, अगर खाद नहीं देंगे तो वो आएंगे ही नहीं फूल, फिर आने बंद हो जाते हैं फूल, है ना। तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।